ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारा और अंदर से एकदम चीजी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम अमेजिंग, बिल्कुल अलग, जबरदस्त टेस्टी और बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला स्नैक्स। इसमें आपको मिलेगा बिल्कुल पिज्जा का टेस्ट। ये है हमारे क्रिस्पी करारे चीज बॉल्स। इतना टेस्टी कि जिसे भी खिला देंगे ना, वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं मानेगा। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एकदम यूनिक स्टाइल के इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 उबले हुए आलू। अब सबसे पहले हमें इन्हें ग्रेट करना है। इसके लिए लेंगे एक ग्रेटर और सारे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को बारीक मैश करके भी डाल सकते हैं। ग्रेट करने का फायदा ये होता है कि इसमें जरा भी गुठलियाँ नहीं रहती और आलू बारीक हो जाता है। तो यहाँ मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है और अब इसमें जाएंगी कुछ और चीज़ें। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज। ध्यान रहे कि प्याज आपको बारीक काट करके ही लेना है। इसी के साथ मैंने ली है 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फ्रेशनेस के लिए जाएगा इसमें कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। वैसे हम चाहें तो केवल आलू से ही इसे बना सकते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, आप इसे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसी के साथ जाएंगे इसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले। सबसे पहले 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऑर्गेनो, जो पिज्जा में डालते हैं। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स या पिज्जा सीजनिंग हो तो उसे भी डाल सकते हैं। पिज्जा के साथ छोटे पाउच आते हैं ना, वो अगर रखे हो तो उसे यूज कर लीजिए। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसी के साथ स्नैक्स में बहुत ही चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला। ये फ्लेवर को और भी इन्हेंस करेगा। अब यहाँ मैंने लिया है चीज, इसे इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे, फिर ये जो चीजी पीजी स्नैक्स बनेगा ना, मजा आ जाएगा। मैंने यहाँ मोजरेला चीज ली है, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। तो सारी चीज को मैंने इसमें ग्रेट कर लिया है। अब सभी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सिंपल सरल तरीका, इसके आगे तो आप बाजार का स्नैक्स भूल जाएंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। जिसके सामने सर्व करेंगे ना, पूरी रेसिपी पूछकर आपसे जाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। यहाँ सारी चीजों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब आप लीजिए 5-6 ब्रेड के स्लाइस। अब हमें इसे ग्राइंड करना है, तो इस तरह से रफली इसे तोड़कर जार में डालते जाइए, जिससे ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। ब्रेड आप व्हाइट वाली या ब्राउन वाली कोई भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से सारी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और अब इसे ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो गए हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच मैदा। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। दोनों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एकदम क्रिस्पी क्रंची मार्केट स्टाइल ऊपर का टेक्सचर आएगा हमारे स्नैक्स का। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। अब इसका हमें एक पतला घोल यानी कि स्लरी तैयार करनी है। थोड़े थोड़े पानी को डालकर इसे मिक्स करते जाएं, जिससे लम्स न बने। और इस तरह से मैंने इसकी पतली स्लरी तैयार कर ली है। अब यहाँ मैंने चीज़ लिया है और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। जब इसे हम बॉल्स के अंदर फिल करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ी टेस्ट आएगा। चीज़ आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, मोजरेला चीज़ या प्रोसेस चीज़। अब हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़े से मिक्स को लेकर इसे गोल और स्मूथ कर लेंगे। फिर उंगली से इस तरह से इसे प्रेस करके बीच में जगह बना लेंगे और इसमें हम चीज़ को स्टफ करेंगे। अब इसे कवर करते हुए फिर से इसे गोल और स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से सारी चीज़ बॉल्स को हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहां मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। कितनी मस्त लग रही है ना। अब आप लीजिए एक चीज बॉल
और बॉल को इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। पहले हमें इसकी ड्राई कोटिंग करनी है। इसे हम दो बार ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स को लगा देंगे और अब जो हमने घोल तैयार किया था ना, उसमें इसे टिप कर देंगे। कैफे वगैरह में क्रिस्पी क्रंची सा जो स्नैक्स मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर हमारे स्नैक्स का आएगा और फटने का भी कोई डर नहीं रहेगा। स्लरी में डिप करने के बाद इसे एक बार फिर से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छे से इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स को। डबल कोटिंग करने से बॉल्स हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ब्रेड को अच्छी तरह से बॉल्स में प्रेस करना है जिससे ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है वो निकल जाएं। ऐसा करने से स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी करारे बनेंगे और ऑयल भी हमारा गंदा नहीं होगा। तो ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे चीज बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये एक ही साइज के चीज बॉल्स। तो चलिए अब इन्हें करते हैं फ्राई। यहाँ इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने लिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो एक एक करके बॉल्स को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो अंदर से चीज़ पकेगी नहीं और अगर ठंडा रहेगा तो ये ऑयली बनेंगे। अब तुरंत आपको इसे पलटना नहीं है। इस तरह से इनके ऊपर आप गर्म ऑयल को डाल दीजिए जिससे ये फ्राई हो जाएं और जब ये नीचे से सिक जाएं तब इन्हें धीरे से पलट देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इनमें आ गया है। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारे चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं और ऑयल भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। इसी तरह से बाकी बची हुई चीज़ बॉल्स को भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ हमारा ये बैच भी बढ़िया से फ्राई हो गया है तो इसे भी अब निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी करारी चीज़ बॉल्स हैं बिल्कुल तैयार। इसे मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो सॉस के साथ। अब ये देखिए इसका टेक्सचर, ऊपर से पूरे क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से एकदम चीज़ी टेक्सचर। इतना चीज़ी और मज़ेदार कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके घर में ये बार बार बनाया जाएगा, मज़ा आ जाएगा खाकर। तो आप भी बनाइए इस सुपर टेस्टी चीज़ बॉल्स को और एंजॉय कीजिए इस क्रिस्पी चीज़ी स्नैक्स का। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।